हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर से पिंपरी चिंचवड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गत दिनों हुई दौलत बागवान की हत्या के आरोपी को निगड़ी पुलिस से पीछा करके पकड़ लिया। दौलत शमशुद्दीन बागवान मृत व्यक्ति का नाम है। इस मामले में प्रकाश तुकाराम शिंगे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 15 नवंबर की शाम 6 बजे दौलत और उनके दोस्त राहुल लाटेकर ओटस की निगड़ी में गपशप करते बैठे थे। उसी समय शराब पीकर वहां पहुंचे आरोपी प्रकाश ने दौलत पर चाकू से वार किया था। इस घटना में गंभीर जख्मी दौलत की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दरअसल 6 साल पहले दौलत के भाई द्वारा जानबूझकर एक्सीडेंट करके भाई की जान लेने के संदेह में प्रकाश सिंह ने शराब के नशे में चाकू घोंपकर दौलत का मर्डर किया था। रविवार की शाम 6 बजे ओटस की निगड़ी में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गया। वो कर्नाटक में भागने की फिराक में था, जिसे निगड़ी पुलिस ने पीछा करके महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य की सीमा पर गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज, पिंपरी चिंचवड़, पुणे।